भारतीय किसान संघ ने किया पुतला दहन, दिया ज्ञापन। भारतीय किसान संघ द्वारा फसल बीमा योजना के अंतर्गत 2020-21 के फसल बीमा दावा राशि वितरण की शॉर्टफॉल रिपोर्ट प्रदान करने की मांग को लेकर ज्ञापन दिया। ज्ञापन के माध्यम से कहा गया है कि 2020-21 की बीमा दावा राशि वन क्लिक माध्यम से किसानों के खाते में आनी थी, उसमें बड़ी गड़बड़ी हुई है। कई किसानों के खातों में बहुत ही कम बीमा राशि दी गई है, वहीं कई के किसानों को नाम मात्र की राशि दी गई है। इससे ये बात साबित हो रही है कि फसल सर्वे में और फसल बीमा राशि वितरण में अनियमितताएं बरती गई हैं। भारतीय किसान संघ ने गुना में मुद्दा दहन किया है, वो गुना में नहीं पूरे मध्य प्रदेश में किया जा रहा है, क्योंकि बीमा कंपनियों ने किसानों के साथ धोखा किया है। एक तो बीमा कंपनियों ने किया है, सरकार ने प्रीमियम भरा, किसान से प्रीमियम काटा, लेकिन बीमा कंपनियों ना तो आज तक हिसाब किताब दे रही, ना अपना ब्यौरा दे रही। एक ही पटवारी हल्का नंबर है, एक ही बैंक है, किसान अलग अलग है। हर किसान, किसी को 500 रुपये मिल रहा है, किसी को 5000 रुपये मिल रहा है। तो भारतीय किसान संघ का ये मांगना है कि हमें हिसाब किताब दिया जाए। ऐसा आखिर हो क्यों रहा है? एक ही बैंक है, एक ही किसान है, एक ही हल्का नंबर है, फिर ये अनियमितता क्यों है? जो आज हमारे का कार्यक्रम है, ये प्रदेश में अभी कार्यक्रम था। और अगर